बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बना रहे हैं एक खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन, जिसके लिए हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है और ट्राउज़र के बॉटम पे हमने ये पेस्टिंग पेपर का पैटर्न कट करके पेस्ट कर लिया है। जितनी चौड़ाई पैटर्न की है उतना ही कपड़ा हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया है, ताकि सिलाई लगाने के बाद हम उसको आसानी से सीधा कर सकें। ये हमने एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, चौड़ाई हमने इसकी उतनी ही रखी है जितनी हमारे ट्राउज़र की है और लंबाई इसकी हमने ली है 7 इंच। जैसा पैटर्न हमने ट्राउज़र के बॉटम पे लगाया है वैसा ही हमने इस कपड़े पर चिपका लिया है और उसी तरह हमने नीचे की तरफ कपड़ा भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि जितनी चौड़ाई हमने तैयार ट्राउज़र की रखनी है, कटिंग करते हुए हमने उससे 2 इंच ज़्यादा रखनी है। 1 इंच सिलाई में आ जाएगी और 1 इंच जो है वो डिज़ाइन बनने के बाद कट होगी साइडों से। उसके बाद हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने पैटर्न कट किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह हम जिगजैग जो है वो सिलाई लगाएंगे ट्राउज़र पर भी और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे पैटर्न चिपकाया था उस पर भी। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि जो सिलाई है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कपड़े के ऊपर ही लगानी है, ताकि जब हम उसको बाद में कटिंग करें तो उसको सीधा करने के बाद फोल्ड करने में आसानी रहे। देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों कपड़ों पर सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम ये जो पैटर्न है इसके अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। पेस्टिंग पेपर के साथ साथ तकरीबन 2 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ते हुए हमने बाकी इजाफी कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। देखिए व्यूअर्स, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने कट कर दिया है। अब ये पैटर्न जो है इसके अंदर की तरफ जो कोने बने हुए हैं उनके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कैंची के साथ। कट लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि कट जो है वो सिलाई से पीछे की तरफ रहे। ये देखें, अब हम इसको सीधा करेंगे। देखें, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ ये जो कोने हैं उनको हमने बराबर कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, हमने सीधा कर लिया है पैटर्न को। अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखें जी, प्रेस भी हमने कर लिया है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लिया है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया है, ये ट्राउज़र के बॉटम की तरफ लगाना है, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर प्रिंटेक्स डालेंगे और इसको नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये जो पैटर्न के अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पैटर्न पे जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसके ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसको आप कमीज के दामन पर भी बना सकते हैं और स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। देखें जी, अब हम इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 इंच फोल्ड किया है, 1/2 इंच सिलाई में चला गया है और 1 इंच नीचे की तरफ फोल्ड हो गया। ये देखें जी, नीचे से फोल्डिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम ऊपर पैटर्न के साथ तकरीबन 1 इंच का फासला रखते हुए बारीक टक्स डालेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक से टक्स डाल लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आएंगे। ये हमने 1-1 इंच के फासले पर 2-2 टक्स डाल लेने हैं ट्राउजर के ऊपर भी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसके ऊपर भी। देखिए व्यूअर्स, हमने प्रिंटेक्स डाल लिए हैं। अब हम इस पे मोती लगाएंगे और ये जो 1 इंच कपड़ा हमने ज्यादा रखा था ये इस तरह से दोनों साइडों पे निकला है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे और ये जो जिगजैग वाला हमने पैटर्न बनाया है इसको इस तरह से आपस में मिलाते हुए इनके कोनों में मोती लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे कोनों में मोती लगा लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मोती भी हमने लगा लिए हैं। हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।